बीज के साथ ही उर्वरकों की भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। प्रत्येक खेत में पोषक तत्वों और उर्वरकों की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें। किसान द्वारा भेजे गए मिट्टी के नमूने के साथ पर्ची में जो जानकारी दी जाती है उसी के आधार पर उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान विशेष के खेत की मिट्टी का पीएच मान, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन की मात्रा, फास्फोरस और पोटाश आदि के साथ साथ अतिरिक्त शुल्क देने पर सूक्ष्म तत्व जैसे लोहा, तांबा, जस्ता और मैंगनीज आदि की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इनकी पूरी जानकारी अंकित होकर आती है। ये भी स्पष्ट लिखा रहता है कि फसल में कितनी देशी खाद और उर्वरकों की मात्रा डालनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में की गई सिफारिश के अनुसार ही खाद, उर्वरक, पोषक तत्वों और जिप्सम का उपयोग किया जाए तो लागत में कमी के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। एक हेक्टेयर में बुवाई से पहले 80 किलो डीएपी और 70 किलो यूरिया अथवा 220 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ 100 किलो यूरिया ऊर कर देना ठीक रहता है। इसके अलावा खड़ी फसल में डालने के लिए 100 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया की अतिरिक्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए।